अल्फा सर को हम लेके आ गए हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं आज जा रही हूँ अल्पार्ट को लेने। तो मैं काम पर मैं पहुँच चुकी हूँ अल्पार्ट सर को पिकअप करने। तो अभी ये देखिए हम दोस्तों, एक्चुअली टाइसन टॉक्स जो थर्ड सीजन आने वाले हैं और इसमें अल्पार्ट बसंत्री फर्स्ट गेस्ट होंगे और मैं इसको पिकअप करने यहाँ पहुँची हूँ। अल्फर सर को हम लेके आ गए हैं। हेलो, फाइनली पहुंच गया है। सुबह 6 बजे निकला था कोलोरियांग से, कोलोरियांग डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर, लेकिन बीच में रास्ता ब्लॉक हो गया था, इसलिए कम से कम 3 घंटा जैसे रुकना पड़ा। इसके वजह से बहुत लेट हो गया। अभी बहुत रिलैक्स फील कर रहा है पहुंचने के बाद। और साथ में रैली भी हो रहा है ना। हाँ, चलिए सर। सर तो कहाँ कहाँ जाता है। सर देखिए, सर फ्रेश अप हो गया है अभी। सर आपका जर्नी कैसा था हुआ? जर्नी तो बहुत टफ जर्नी है। रास्ता अभी भी बन रहा है, कंप्लीट हुआ नहीं। अराउंड 50% कंप्लीट हो चुका है और 50% बाकी है। तो बहुत टफ था। सुबह 6 बजे निकला, फिर 2-2.5 घंटा या 3 घंटा के जैसे ट्रैवल करने के बाद पूरा ब्लॉकेज मिल गया। वो लोग शायद ब्लास्टिंग किया था तो पूरा गिर गया था रास्ता के ऊपर, है ना, पत्थर। तो उसको क्लियर अप करने में कम से कम 3 घंटा जैसे लगा। बहुत बोरिंग लगा, बहुत बोरिंग। इतना जाने करके भी सर इतना एनर्जी है और आज फिर यहाँ पे टाइसन टॉक्सो में पूरा लाइफ का जर्नी। नर्वस हो रहा है, क्या क्या क्वेश्चन पूछने जा रहा है। बहुत सारा ऐसे सर का स्टोरी होंगे और सर अपना घर में ही बीतने मन नहीं है बोले सर। सर का क्या बोल, कुन में ही रग रग में दौड़ता है ना, ट्रेवलिंग करने का ना। और सर का ब्लॉग को तो हम बहुत साल हो गया ना, उससे हम देख के मैं भी और ब्लॉग बना रही हूँ सर से इंस्पायरिंग होके। थैंक यू। बोलिए, ईटानगर में कैसा लगा? ईटानगर में आके अच्छा लगा, बहुत चेंज हो गया। पहले जैसा नहीं, अभी बहुत शॉपिंग मॉल देखने को मिला, बहुत ब्रांड स्टोर्स देखने को मिला, रास्ता भी अच्छा हो गया, पहले जैसे नहीं है। जैसे मैं भी आया था 16 या 17 में भी आया था, 16 होगा, उसमें भी आया था। उस समय तो पूरा नया नया रास्ता बन रहा था, कटिंग चल रहा था, कटिंग काफ़ी ख़राब था ना उस समय। तो अभी उससे तो बहुत चेंजेस लगा होगा। हाँ, बहुत चेंज हो गया। तो हम लोग अल्पार्ट जो सर के लिए कुकिंग कर रही हूँ। देखिए आज की चटनी चिकन चिल्ली बनाया है। खाने को भी मिल गया है चिकन। चिल्ली चिकन या क्या बोलेगा उसको, या फ्राइड चिकन। फिर बॉयल कैबेज वगैरह है, फिर कैरेट। मजा गया, मजा है ना। ये डिनर से पहले भी जूस के साथ एक प्लेट खा लिया, मीट खा के चावल खा नहीं पा रहा है। अच्छा ना, मतलब उन लोग का मेंटली ऐसे हो गया कि मतलब वो लोग किसी के अंदर में ही काम करने को पसंद करते हैं, मालिक के अंदर। कोई मालिक चाहिए होगा। आप जताइशन टॉक्सो में आके आपको क्या एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा लगा। ये जो द टाइसन टॉक शो है उसको कंटिन्यू करना है, ताकि हम लोग अलग अलग पर्सनैलिटी से अलग अलग इंफॉर्मेटिव या नया चीज़ सीखने को मिले। बहुत अच्छा लगा। ऐसे शो आप लोग ने स्टार्ट किया है, आशा करता है कि आप लोग ऐसे करते रहेगा और लोगों को जानकारी देगा कोई बड़ा पर्सनैलिटीज बारे में।
बड़ा पर्सनैलिटीज के बारे में जानने को मिलेगा और हम लोग इंस्पायर होते रहेगा ऐसे आपका से भी ना। हाँ। और सर आप इतना अरुणाचल में इतना सारा डिस्ट्रिक्ट घूम चुका है तो आपको आपके हम लोग का अरुणाचल का हॉस्पिटलिटी कैसा लगा? हॉस्पिटलिटी तो बहुत अच्छा है, बहुत दिल वाला है, जो है वो शेयर करने का कोशिश करता है अपने पास जो भी है वो, और पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, कोई मतलब दिल में छुपा के अच्छा दिखाने वाला या बुरा दिखाने वाला वो नहीं है, जो है तो है नहीं तो नहीं है, पूरा दिल का पूरा साफ है, वो साफ है, बहुत साफ है। ना वो यूट्यूब में देखा था ना, लेकिन आज फेस टू फेस देखने मिल रहा है। फॉरेन भी टूर कर चुका है तो कितना कितना कंट्री अभी फॉरेन टूर कर चुका है? मैं बस 10 कंट्री ही टूर कर चुका हूँ और कोशिश कर रहा हूँ फिर और फिर से यह स्टार्ट करने के लिए दूसरा कंट्री में, नया नया कंट्री में, नया कंट्री में जाके आप कैसा लगता है? नया कंट्री में जाने से पहले तो थोड़ा डरा हुआ जैसे लगता था शुरू शुरू में, डरा हुआ तो नहीं है, मतलब थोड़ा शर्म आता था क्योंकि जब पासपोर्ट देखता है तो पासपोर्ट में पूरा ब्लैंक होता है, पूरा नया है, इस तरह से मतलब थोड़ा शर्म आता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ज़्यादा कंट्री जाते रहा फिर पासपोर्ट में स्तंभ लगते रहा, हिस्ट्री बढ़ते रहा, ट्रैवल हिस्ट्री तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो अभी मतलब शर्म वरम आता नहीं, अभी पूरा कॉन्फिडेंस हो गया, वाओ इतना कंट्रीज घूम लिया, जब पासपोर्ट का पेजेस पलट के देखते थे वाओ इतना सारा तो मैं अभी कॉन्फिडेंस लगता है। जैसे कि इतना मतलब आप तो हर कंट्री में मतलब जाते है तो ना, तो आप भाषा बोलना पड़ता है, मतलब आपको कितना मतलब भाषा, हम देखा है कि आपका यूट्यूब में भी कुछ ऐसा भाषा है जो आप बोल लेते हैं ना, तो कितना भाषा का आप नॉलेज में हो गया? हमको बस रीजनल लैंग्वेज जो कॉमन लैंग्वेज वही है, इंग्लिश हिंदी, इसके बाद एसामीस बोरो हो गया मेरा मदर टंग, इसके बाद बंगाली थोड़ा आता है, फिर नेपाली भी थोड़ा आता है, नागामीस भी वही है, एसामीस हिंदी सब मिक्सअप है, बंगाली तो वही है इतना ही और फॉरेन कंट्रीज में जाता है तो बस इंग्लिश में बात करता है, अगर वो लोग इंग्लिश आता नहीं है तो गूगल ट्रांसलेट वगैरह यूज़ करता है, अगर उसमें भी नहीं होता है तो ऐसे साइन लैंग्वेज वगैरह यूज करते हैं, वही है कॉन्फिडेंस होना है। आपका कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा, आपका गर्लफ्रेंड कोशिश कर रहा हूँ वाइफ लेने के लिए मतलब आप कहाँ से लेने है, लेने वाला है सोच रहा है अपना लोकेलिटी से ही लेने को। और आप किस टाइप वाला चाहिए? वही है जो मेरा काम के बारे में जाने और अंडरस्टैंडिंग ना सपोर्ट करे मेरा काम के बारे में, बस वही है, अगर मेरा काम के बारे में जानेगा नहीं तो क्या होगा फिर आपका लाइफ पार्टनर आने वाला होने से सर को समझना पड़ेगा और सर को मिलकर बहुत अच्छा लगा है और मेरा वीडियो में ऐसा ही टैलेंटेड देखना चाहते हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स भी करिए और हमें टैलेंटेड वाला लोगों के साथ वीडियो लाते रहेगा ओके बाय बाय बाय, थैंक यू सो मच, हमें इनवाइट किया अपना द थाईशन टॉक शो और इसके बाद घर में भी बुला के डिनर के लिए, इसके लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट वेयर मामा ब्लॉग सब्सक्राइब करना या सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना, शेयर भी करना और कमेंट भी लिखना।